कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ नहीं छोड़ूंगा। और नहीं तो क्या, कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब फिर पलटी मार चुके हैं। आला कमान ने उनकी सुन ली तो तेवर बदल गए सिद्धू बाजी के। गांधी लगे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, उस साथ ही मरते दम तक। ऐसे सिद्धू ने ये वफादारी की कस्में बीजेपी के साथ भी खाई थी। जमीन आसमान एक करते हुए शायरियां भी पढ़ डाली थी, पर मौकाटेरियन सिद्धू जी ने बीजेपी को भी यही कहने के बावजूद टाटा बाय बाय कह दिया कि वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें। वैसे बीजेपी सुकून में है, नहीं तो पाजी आए दिन चलते फट्टे नब्द गिल्ली करके बयान देते रहते। प्रियंका रावण की वफादारी करने वाला बयान देकर उन्होंने कांग्रेसी बनने का टेस्ट तो पास कर लिया है। कांग्रेस में बने रहने का फॉर्मूला ही चापलूसी है। फिलहाल वो सही पार्टी में है, जैसे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान उनके बड़े भाई हैं और पाकिस्तानी सेना के मिस्टर बाजवा सिद्धू जी के यार अनमोल्ले, जिनसे वो पप्पियां चप्पियां पाते रहते हैं। कांग्रेस को भी पाकिस्तान से वैसा ही प्रेम है जैसे सिद्धू को इमरान खान से, और दोनों के ऊपर राम मिलाए जोड़ी वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। सिद्धू जी की मरते दम तक वफादारी निभाएंगे वाले वादे पर प्रेमी प्रेमिकाओं का वो प्यार भरा वादा याद आ जाता है जो किसी नए के मिलने पर फट से बदल जाता है। आप बीजेपी से वफादारी भले ही ना निभा पाए हो सिद्धू जी, पर हम आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप राहुल प्रियंका की सदैव वफादारी करते रहे। हालांकि जैसा आपका स्वभाव है, कहीं बाद में राहुल प्रियंका को आपके लिए ना गाना पड़े कि कसमे वादे प्यार वफा बस बातें हैं बातों का क्या।